राष्ट्रीय परिवार महायज्ञ समिति मुरादाबाद की एक बैठक स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित हुई। तेहुआ की संस्था का आगामी रजत जयंती समारोह जनवरी माह में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 28 जनवरी से शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें अयोध्या से पधारे संत रामविलास वेदांति जी महाराज शिव महापुराण कथा करेंगे। 3 जनवरी को विशाल संत सम्मेलन का आयोजन होगा। 27 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समारोह को भव्य बनाने हेतु सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर महेश बंसल, सुधीर श्रीवास्तव, नरेश सक्सेना, रविंद्र अग्रवाल, मुकेश कौशिक, विपिन अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अर्चना डोली, किरण प्रजापति, शीला श्रीवास्तव, मधु बंसल, अर्चना जेटली आदि लोग सम्मिलित थे। हाँ जी, बताइए आज क्या कार्यक्रम था? आज श्री परिवार मार्ग समिति का इस वर्ष 25वां वर्ष है, जिनको हम बड़े धूमधाम से रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। उसी के संबंध में आवश्यक एक सभा रखी गई है, जो 28 जनवरी से 3 फरवरी तक रेलवे स्टेशन पर श्री राम कथा का निर्माण होगा, जिसको कथा को करने के लिए डॉक्टर रामविलास वेदांति जी अयोध्या से पधार रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में महायज्ञ जैसे चंडी यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, शनि यज्ञ का अनुष्ठान होगा। 3 फरवरी को सोमवार पान दरीबा से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो वापस रेलवे स्टेशन पर आकर समापन होगी। इस वर्ष विशेष यह है कि 25वां वर्ष है और रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 फरवरी को देश विदेश के विभिन्न संत, करीब 12 संत इस मुरादाबाद की धरती पर अपने दर्शन देंगे और श्री परिवार में एक संत सम्मेलन का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। उम्मीद है कि इसके अंदर विशेष रूप से कुछ हमारे अतिथि भी आने की संभावना है। क्या अपील करना चाहेंगे? महाराज बस ये अपील करना चाहेंगे कि इस संत सम्मेलन में आकर के, इस धर्म स्थान में आकर के हवन है, यज्ञ है, कथाओं के माध्यम से जो आज की तारीख में मुरादाबाद की धरती एक धर्म नगरी के नाम से जानी जा रही है, क्योंकि जितनी मुरादाबाद के अंदर कथाएं और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, सब इससे चकित हैं कि मुरादाबाद एक धर्म नगरी ना बन जाए। और इसी कहर को होते हुए इसीलिए मुरादाबाद के अंदर श्री परिवार के अंदर एक संत सम्मेलन कराया जा रहा है, जो हम सबके लिए बड़े हर्षोल्लास का समय है और सब लोग आए और पुण्य के भागी।